हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का बेस्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन मीन्स समीकरण पर लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। यह लेक्चर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन के एक्सप्रेशन टाइप्स एंड इसके यूजेस पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन, हिंदी में समीकरण बोलते हैं, इसके एक्सप्रेशन पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड, इनके टाइप पर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड, एप्लीकेशंस मीन्स यूजेस पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इक्वेशन इसको बैलेंस भी बोला जाता है। बैलेंस मीन्स संतुलन एंड इक्वेशन मीन्स समीकरण। तो आप समीकरण को बैलेंस के रूप में देखते हैं, मीन्स जब भी जो एक्सप्रेशन होते हैं बैलेंस कंडीशन में होता है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, या कह सकते हैं बाएं पक्ष और दाएं पक्ष जब इक्वल होता है किसी एक्सप्रेशन में, उस कंडीशन में जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है वो इक्वेशन होता है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं इक्वेशन का मीनिंग हुआ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फ्रॉम राइट हैंड साइड। इस फॉर्म में एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में बायां पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष, और इसे दायां पक्ष बोलते हैं। मीन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन होता है इक्वल होता है, इस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहते हैं फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो इक्वेशन है वो एक्सप्रेस होता है, मीन्स इक्वेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, इक्वेशन जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप समझ जाते हैं तो इक्वेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वेशन डिपेंड करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। इक्वेशन मीन्स समीकरण, समीकरण। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी बोलते हैं बीजगणितीय, बीजगणितीय व्यंजक। ओके फ्रेंड्स, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये डिपेंड करता है जिन कंडीशन से फॉर्मेट होता है, वो होता है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। कह सकते हैं इसको नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट भी बोला जाता है। नॉन वेरिएबल को आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल का जो कंपाउंड या कह सकते हैं कंपोजिट जो एक्सप्रेशन होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो प्रेजेंटेशन होता है वो वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल पर डिपेंड करता है। इक्वेशन जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन होता है। तो आप कह सकते हैं इक्वेशन भी वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर राशि, गणित की भाषा में चर राशि, एंड नॉन वेरिएबल को अचर राशि बोला जाता है, अचर राशि। यह सामान्य वर्ड में इसको चर राशि को अज्ञात बोला जाता है एंड इसको ज्ञात वैल्यू बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल को जब डिफाइन करते हैं इसके एक्सप्रेशन से जो कंडीशन क्रिएट होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब इक्वल टू में डिफाइन करते हैं बैलेंस में तो वो इक्वेशन होता है। मीन्स इक्वेशन को आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फ्रॉम राइट हैंड साइड के फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, और इक्वेशन का जो ये इक्वेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू का साइन है, मीन्स बैलेंस का साइन है। और जब इक्वेशन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में इसका जो यूजेस होता है, यूजेस मीन्स एप्लीकेशंस, अर्थमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होता है इसमें यूज होता है फ्रेंड्स, मीन्स अंकगणित में इसका यूज करते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रेजेंटेशन का ऑर्डर है।
तो इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको जानना होगा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के लिए आपको ये जानना हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल पर डिपेंड करता है, एंड आप कह सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से इससे मिलकर इक्वेशन भी क्रिएट होता है और इक्वेशन बैलेंस को डिफाइन करता है। देन बैलेंस को हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फ्रॉम राइट हैंड साइड, मीन्स इक्वल टू के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होता है वो इक्वेशन होता है, एंड इक्वेशन का जो यूजेस होता है, एप्लीकेशंस होता है, उसे अर्थमेटिकल प्रॉब्लम में यूज करते हैं, मीन्स अंकगणितीय जो प्रश्न होता है उसमें अप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। जब तक आप वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को नहीं डिफाइन करते आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नहीं समझ सकते। ओके फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये डिपेंड करता है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल पर, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल इसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट मैथमेटिकल वर्ड में हिंदी में बोला जाता है इसको चरराशि, चर राशि, और इसे अचर राशि बोला जाता है, अचर राशि। सामान्य वर्ड में वेरिएबल का मतलब होते हैं अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू मीन्स हिंदी में अज्ञात राशि बोलते हैं इसको, और नॉन वेरिएबल को यहाँ पर नॉन वैल्यू बोलते हैं, नॉन वैल्यू मीन्स ज्ञात राशि होता है, ज्ञात राशि। ओके फ्रेंड्स, तो इन दोनों जो वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल है इससे मिलकर जो एक्सप्रेशन क्रिएट होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पर आप याद रखें वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड को लेके हम सॉल्व करते हैं जनरली, तो जितना भी क्वेश्चन में एक्स वाई जेड होते हैं सब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, अननोन वैल्यू होता है। यू नो फ्रेंड्स, जब भी किसी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो हम लेट एक्स वाई जेड लेके चलते हैं, ये अननोन होता है, इसका ये वेरिएबल्स होता है। और यहाँ पर नॉन वेरिएबल को डिफाइन करते हैं नंबर से, 1 2 3 या बोल सकते हैं ए बी सी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, तो ए बी सी की जगह 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स होते हैं, ये नॉन वेरिएबल्स होता है, मीन्स ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू गिवन होते हैं क्वेश्चन में। तो नंबर्स और मीन्स 1 2 3 4 जो नंबर्स होता है एंड अननोन वैल्यू एक्स वाई जेड होता है, इससे जो मिल्क जो कंडीशन क्रिएट होता है, एक्सप्रेशन जो क्रिएट होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, अननोन वैल्यू है, x यहाँ पर अननोन वैल्यू है, मीन्स ये वेरिएबल होगा, मीन्स चरासी है, और ए बी सी यहाँ पर ए बी सी ये नॉन वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल मीन्स कॉन्स्टेंट यहाँ पर अचर राशि। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर x अननोन है और 2, 3, 7 की वैल्यू यहाँ पर क्लियर है, डिजिट है, तो यहाँ पर x क्या है, ये वेरिएबल है, एंड 2, 3, 7 ये नॉन वेरिएबल है। ओके फ्रेंड्स, अचर राशि है। तो इस तरीके से आप x, y, z और नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। तो नंबर्स एंड अननोन वैल्यू x, y, z का जो एक्सप्रेशन होता है, उसका कंपोजिट जो एक्सप्रेशन होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशन होती है या फिर डिफरेंस क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स,
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये आपको समझना होगा, तभी आप आगे इसको डिफाइन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वैल्यू दिया होता है, इसका जो फॉर्म होते हैं, जैसे हम फॉर्म ले सकते हैं, फर्स्ट ए एक्स प्लस बी, एक फॉर्म है, यहाँ पर इक्वल टू के फॉर्म में नहीं होते हैं, ओनली एक एक्सप्रेशन होते हैं, और यहाँ पर चलते हैं, इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन है, क्योंकि जो इक्वेशन होते हैं, समीकरण जो होता है, ये बैलेंस को डिफाइन करते हैं। बैलेंस मीन संतुलन, और संतुलन के लिए मैथ्स में इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी इक्वेशन को डिफाइन करते हैं वहाँ पर इक्वल टू होता है, मीन्स इक्वल टू का जो ये साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया और सी जो है राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फ्रॉम राइट हैंड साइड को डिफाइन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं होता है, ओनली एक्सप्रेशन होता है, ए एक्स प्लस बी यहाँ पर है, और इक्वेशन में इक्वल टू के फॉर्म में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इक्वल टू जो यहाँ पर संतुलन को दिखा रहा है, इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देखते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 को सॉल्व करेंगे तो x का जो रिजल्ट आएगा, उस x की वैल्यू के यहाँ लेफ्ट में अगर पुट करेंगे x की जगह, तो 7 आनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, 3 को इंटरचेंज करेंगे तो 7 माइनस 3 होगा, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 होगा, 2x इज इक्वल टू 4 होगा, और x से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मीन्स सॉल्व करने पे x का रिजल्ट यहाँ पर 2 मिला। तो यहाँ पर अगर x की जगह 2 अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4 होगा, 4 प्लस 3 7, मीन्स यहाँ पर x की जगह 2 अप्लाई करते हैं, रखते हैं यहाँ पर, तो रिजल्ट 7 के बराबर आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर x की जगह अगर 2 रखते हैं तो इज इक्वल टू 7 आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस है। जब भी आपके पास इक्वेशन का पैटर्न होता है तो हमेशा इक्वल टू का साइन होता है एक्सप्रेशन में। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन के फॉर्म में है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेट एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम ले सकते हैं एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसको सॉल्व करने में फ्रेंड्स x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2/3 आता है, मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू और 5x में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर 0 आएगा फ्रेंड्स, मीन्स x की वैल्यू पुट करने पे यहाँ पर राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड हो जाता है। उसी प्रकार से अगर इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं तो इसका भी रिजल्ट 0 के बराबर आएगा, मीन्स यहाँ पर x की जगह -1 या -2/3 रख के सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट इसके इक्वल आएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या रिलेशंस होता है या क्या डिफरेंस होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता है, ओनली एक्सप्रेशन होता है, और इक्वेशन में इक्वल टू होता है, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड की इक्वलिटी होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन का टाइप क्या क्या होता है, कितने प्रकार की इक्वेशन होती है जिससे जनरली एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, मुख्यतः दो प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो प्रकार के टाइप मेनली यूज होते हैं जिसके बेसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक या स्क्वायर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण, ये वन डायमेंशनल होता है,
एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोलते हैं द्विघाती समीकरण, द्विघातीय समीकरण या स्क्वायर इक्वेशन मीन्स वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण। तो यहाँ पर हिंदी में इसका दो प्रकार के नाम है, द्विघाती या फिर वर्ग समीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण को डिफाइन करता है एंड स्क्वायर इक्वेशन वर्ग समीकरण को। ओके फ्रेंड्स, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के लिए हमें वर्ड इसके थे एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड की इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वन होता है तो इन दिस कंडीशन जो इक्वेशन होता है वो लिनियर इक्वेशन होती है फ्रेंड्स। फॉर अ फर्स्ट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी जो है ये लिनियर इक्वेशन होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है एंड ए बी सी, ए बी सी ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मीन्स नॉन वेरिएबल है। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 ये लिनियर इक्वेशन होगा क्योंकि यहाँ पर चर राशि जो x है x की पावर 1 है फ्रेंड्स। तो जब भी इक्वेशन में चर राशि मीन्स वेरिएबल की पावर 1 होती है x बाई जेड में से किसी भी की, इस कंडीशन में जो इक्वेशन होता है वो लिनियर इक्वेशन होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी चल सकते हैं आप फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल बी 2 यदि चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर c मीन्स c में कुछ नहीं मतलब x पावर 0 है क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू 1 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, अधिकतम घात यहाँ पर वेरिएबल की 2 है, इस कारण ये होगा वर्ग समीकरण क्योंकि चर राशि की जो बड़ी घात होती है उसी के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन का नाम होता है फ्रेंड्स, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसका नहीं वर्ग समीकरण होगा मीन्स स्क्वायर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x है इक्वेशन में और x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है। ओके फ्रेंड्स, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x का रिजल्ट -1 एंड x का रिजल्ट 2/3 आएगा और x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर x का रिजल्ट -1 या -2/3 करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट 7 के इक्वल होगा फ्रेंड्स। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इस पर हम डिटेल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक लेके आएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड फॉर्म जो होता है इसका ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल्स से है, 2 चर राशि है, 2 चर राशि यहाँ पर है और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप x और y दोनों की घात कितने फ्रेंड्स 1 है, 1 है, इसका ये भी जो इक्वेशन है ये लिनियर इक्वेशन होगा, रैखिक समीकरण होगा। एग्जांपल के लिए दिखा सकते हैं जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, थर्ड पेयर इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये पेयर इक्वेशन होता है जहाँ पर दो इक्वेशन एक साथ आया है, यहाँ पर x और y वेरिएबल है और x और y की जो मैक्सिमम पावर है 1 है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी क्या है आपका लिनियर इक्वेशन का ही पैटर्न है। फॉर एग्जांपल x प्लस y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, तो ये भी क्या है पेयर इक्वेशन है बट लिनियर इक्वेशन होगा क्योंकि यहाँ पर x और y की मैक्सिमम पावर 1 है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। लिनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड होता है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर 2 होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लिनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बेसिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम नेक्स्ट जो लेक्चर उस पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इक्वेशन समीकरण के अंदर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन का टाइप या कह सकते फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड सॉल्यूशन मेथड,
सॉल्यूशन मेथड, सॉल्व करने की विधि, इक्वेशन को किन किन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एंड थर्ड सफिशिएंट कंडीशन या कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध होता है, किन किन तरीके से जो इक्वेशन होता है वो सफिशिएंट कंडीशन में यूज होते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर जो कंडीशन होते हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन को इन फोर कंडीशन में डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन का टाइप्स कितने प्रकार का होता है, उन टाइप्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन मेथड होता है, ये हल करने की विधि होती है, एंड उस इक्वेशन का जो कंडीशंस होता है कहाँ कहाँ पर यूज होता है, उसके बेसिस में किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बनता है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशंस क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है, इस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पूरी इक्वेशन को स्टडी करने के बाद इक्वेशन का यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है, तो एप्लीकेशंस आप इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। ये जो यूजेस होते हैं ये अरिथमेटिक पोर्शन होता है फ्रेंड्स, मीन्स अंक गणित में यूज होता है, अंक गणित या कैसे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे आगे जाके। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आगे लेक्चर में लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग अलग लेक्चर हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा है इस पर अपना कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से वैल्यूबल वीडियोज मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।